बिग बॉस के घर वालों ने सभी ने मिलकर जिया शंकर को बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर दिया है। क्यों हो रहा है ये और क्या हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। हम सभी चाहते हैं कि जहाँ तक बात बिग बॉस की आती है तो अक्सर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब भी बिग बॉस शुरू होगा टॉर्चर पे टॉर्चर शुरू होगा और टॉर्चर पे टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस ने घर के अंदर ऐसा टॉर्चर टास्क दे दिया है कि उसमें सिर्फ एक ही इंसान की बैंड बजेगी और वो एक इंसान है जिया शंकर। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। फटाफट से आपको बता देती हूँ इस वक्त लाइव फीड में क्या देखने को मिल रहा है। आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। मैं आपको बता दूं कि जिया शंकर जो है वो इस वक्त घर की कैप्टन है। कैप्टन बनने के बाद उन्होंने जो जो फैसले लिए हैं वो ऑडियंस को भी पसंद नहीं आ रहे कुछ खास, और घर वालों को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहे। कई सारे लोगों का ये मानना है कि वो थोड़ी कन्फ्यूज लग रही हैं। अब ये वीडियो देखिए, तो आप देख सकते हैं कि जिया को टॉर्चर झेलना होगा और उनको एक राजगद्दी पर, आप कह सकते हैं सिंहासन पर बिठाया गया है और उन्हें ये टॉर्चर झेलना होगा। उन पर कई सारी चीज़ें गिराई बरसाई बहुत कुछ करा जाएगा, उन्हें झेलना होगा उनकी कैप्टेंसी से हटाने के लिए, और किसी और को अगर उनकी कैप्टेंसी चाहिए तो उनको हटाना होगा, उसको अपना कैप्टेंसी बचाने के लिए ये टॉर्चर झेलना होगा। और अगर वो 3 घंटे तक नहीं उठी तो उसकी कैप्टेंसी नहीं जाएगी, यानी कुछ भी करके 3 घंटे, बापरे बहुत बड़ा टाइम है। सो 3 घंटे जिया को वहीं पर डटे रहना है, वहीं पर बैठे रहना है। एक बार फिर आपको दिखा देते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से जिया पर जो है टॉर्चर हो रहा है। कुर्सी पर बैठी है जिया और ये लोग लगातार पानी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो जिया पर डाल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके फेस पर लगा रहे हैं। बाकी सब लोग तो आसपास नज़र नहीं आ रहे, हो सकता है अच्छे इंसान बने हुए हों, सिर्फ दो ही लोग तो टास्क करते फिलहाल नज़र आ रहे हैं। आपको क्या है कहना इस पर बताइएगा ज़रूर।